लव जिहाद एक सियासी साजिश या समाज से जुड़ा सवाल, या फिर प्यार के रिश्तों को नफरत के नजरिए से देखने की कोशिश। बड़े लोग शादी करें तो वो शादी हो गई, और अगर हम शादी करें, इंटर रिलीजन मैरिज करें, तो ये लव जिहाद हो गया। ये किसी को हक दिलाने की लड़ाई है या इंसानियत को कुचलने की कवायद? हमें पूरा यकीन है कि किसी दिन भी हम उन लोगों के हाथ में लगेंगे तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लव ही लव है, जिहाद कहीं नहीं है। इस जुमले की शुरुआत कैसे हुई और फिर जुमले से नारा किसने बनाया? वो कौन है जो सुकून से जीने की चाहत रखने वालों को डराते हैं, धमकाते हैं, दर दर भटकाते हैं और मौका मिल जाए तो मार डालते हैं? लव जिहाद किसी भी स्थिति में हम स्वीकार नहीं करेंगे और इस प्रकार के तत्वों को पूरी तरह बेनकाब करेंगे। वो कौन सी दलील है जो जोड़ने को गलत और तोड़ने को सही ठहराती है? यही है ना लव जिहाद। जो जिसे समझना है कि लव जिहाद गलत है वो समझे, मुझे लव जिहाद मेरे लिए प्यार है। ये क्या हुआ? घड़ी की सुइयां चल रही हैं, लेकिन हिमानी और शाहिद के लिए वक्त तो वहीं थम गया जब दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी रचाई। एक भाई चार बहन। जनवरी 2013 में शादी हुई, तब से भूल गए जिंदगी में चैन और सुकून क्या होता है। दरअसल जब घर वालों ने हिमानी की शादी तय कर दी और सिर्फ एक महीने बचे थे तो उसने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो शादी वो शाहिद से ही करेगी। घर वालों के मानने का ना तो सवाल था और ना ही उम्मीद। दोनों ने भाग कर शादी कर ली, लेकिन परिवार ने पीछा नहीं छोड़ा। घर वाले से बात होती है, कभी अकड़ से बोलेंगे, कभी प्यार से बोलेंगे, कहेंगे अगर आप आ जाओगी आ जाओ आप, हमारी इज्जत रह जाएगी। हमने बोला था भी एक बार कि जो इज्जत एक बार जा चुकी है उनके हिसाब से जी, वो दोबारा कैसे आएगी मेरे आने से। फरवरी 2013 में दोनों पर कोर्ट कैंपस में ही हमला हुआ, किस्मत काम आई तो किसी तरह बच गए। हिमानी को याद है माँ ने कोर्ट में कैसे गले से लगाया, दुलारने के लिए नहीं बल्कि धमकाने के लिए। वो ऐसे ही हमारे गले लगी, हमने जैसे तैसे हटाया, तब बोली बेटी जितना तुझे बचना है बच ले, बच नहीं पाएगी। फिर जब से टीवी अखबारों के जरिए लव जिहाद सुर्खियों में आया तो जिंदगी कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गई। पहले 2-3 महीने में ही कोई खोजता हुआ आ जाता था, पर अभी तो बीते 4 महीने में ही करीब 20 से ज्यादा बार लोग इन्हें तलाशते हुए घर तक आ धमके। हमारा जीना दूभर हुआ पड़ा है। यहाँ पे उस टाइम पे कुछ नहीं आता जाता था, कोई चक्कर लग जाता था वहाँ से किन्हीं लोगों का के 2-3 महीने में एक दो लोग आ गए, लेकिन इन 4 महीनों के अंदर हमारे पास में कम से कम यहाँ 20 बार लोग हमें मारने के चक्कर में यहाँ ओखले के अंदर आ चुके हैं। ये ना तो मुजरिम है और ना ही दोनों ने कोई जुर्म किया है। मोहब्बत करने को लेकर इन्हें कोई मलाल नहीं, पर इस बात का खौफ जरूर है जब पकड़े जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। थक चुके हैं हम भागते भागते, कब तक बचते रहेंगे? लगता है कभी एक ना एक दिन तो वो लोग हमें ढूंढेंगे और मारेंगे। इन्हें अगर ये कहते हैं प्यार करना लव जिहाद है तो इनके लिए गलत है, मेरे लिए प्यार ही लव जिहाद है और लव जिहाद ही प्यार है। मैं बस इनसे प्यार करती हूँ, इनके साथ खुश रहना चाहती हूँ और खुश हूँ मैं। खौफ में जीना सिर्फ आम आदमी की मजबूरी है। ये ना तो अपनी बात कह सकते हैं और ना ही दूसरों को चुप करा सकते हैं। जब भी कभी खतरा सूंघते हैं खामोशी से घर बदल लेते हैं। कम से कम 20 घर बदल चुके हैं। सोचते हैं नेता या अभिनेता होते तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आप एक चीज बताओ, बड़े लोग शादी करें तो वो शादी हो गई, और अगर हम शादी करें, इंटर रिलीजन मैरिज करें तो ये लव जिहाद हो गया।
ये जो पॉलिटिक्स इन लोगों ने घुमा रखी है इसको पॉलिटिक्स कहते हैं, ये खेल खेल रहे हैं गंदा, ये लोगों के गर्दनों पे पैर रख के अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। इकलौता भाई फौज में है, जब उसका जिक्र हुआ तो आंखें भर आईं। लाइफ अच्छी थी पहले भी, माँ बाप प्यार करते थे, डांटते थे भी, बट जैसे भी थे मेरे माँ बाप थे, अब नहीं लगता माँ बाप हैं वो कि जो मुझे मारने के लिए इतने सारे लोगों को भेज सकते हैं। भाई भी बहुत नफरत करते हैं फिलहाल, बहुत नफरत करते हैं हम सब, हमारे लिए सबसे बेस्ट हमारे भाई थे। लेकिन अब बात होती तो क्या कहते? गलत बोलते हैं हमसे, उल्टा बोलते हैं। शाहिद और हिमानी दोनों ने बताया कि गांव में हुई खाप पंचायत में उन्हें जिंदा या मुर्दा लाने पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। यह पता चलते ही हम परिवार और गांव के बड़े बुजुर्गों से बात करने पलवल पहुंच गए। माता पिता घर पर नहीं मिले, लेकिन फौज से छुट्टी पर आए भाई से मुलाकात जरूर हुई, जिसका मानना है कि आज भी बहन वापस आ जाए तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन पंचायत की रखी इनाम की बात से साफ इनकार कर गए। केवल मकसद ये है, आज भी है और पहले भी था, कि लड़की को लाना, बस ना हमें किसी से कोई मतलब है, ना हमने कभी कोई इनाम ऐसा रखा कि जो हमें 20 लाख रुपए देंगे। गांव के कई बड़े बुजुर्गों से भी बातचीत हुई, हर किसी को हिमानी के प्यार में साजिश की बू आती रही। लड़का मुस्लिम है, लिहाजा नेताओं को भी शामिल किया गया। बताया गया लड़की धोखे से बहलाकर ले जाई गई है, पर किसी ने ये नहीं कहा कि 20 लाख का इनाम भी रखा गया है। लेकिन एक आरोप ये भी लगता है कि पंचायत ने उस पर इनाम भी रख दिया था। पंचायत में ये फैसला हुआ था, एक हमारी हमें लड़की चाहिए, ये झूठ बात है जी। मैं पंचायत के बीच निर्णायक में हूँ। अच्छा, आप मौजूद? ऐसा कुछ नहीं। दो बार विधायक रह चुके ये भगवान सिंह रावत हैं, फिलहाल बीजेपी में हैं, हरियाणा में टिकट की रेस में भी थे पर नहीं मिला। गांव में हुई पंचायत में इनकी सबसे अहम भूमिका थी। मैं इसको एक सामाजिक कुरीति मानता हूँ, मैं इसको अर्पकता मैच्योरिटी मानता हूँ, मैं इसे संस्कार विहीनता मानता हूँ, और ये इसमें ये जो मामला है इसको से भी इनकार नहीं किया जा सकता, एक ये किसी साजिश का षड्यंत्र भी हो सकता है। दिल्ली के एक एनजीओ धनक से जुड़े आसिफ और रेनू को भी शुरुआती परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और अपने अनुभवों से जो कुछ सीखा उसकी बदौलत अपनी तरह के नए जोड़ों की मदद करते हैं। लड़के लड़कियों से मिलकर उनकी परेशानियां सुनते हैं, कई बार उनके घर वालों से भी बात करनी होती है, उन्हें समझाना होता है, जिसमें कभी कामयाब रहते हैं तो कभी पिटते पिटते बच जाते हैं। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन और जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन वाले हैं वो ज़्यादा इशू है, और उसकी वजह से लोग ज़्यादा सकम कर जाते हैं, क्योंकि वो एक साथ मतलब दो दो चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, एक तो अपना रिश्ता, अपने पेरेंट्स, अपनी दोनों तरफ की फैमिलीज, और उसके बाद उनके पास जो उनका राइट है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसको असर्ट करने में, उसको उसमें अपनी शादी को रजिस्ट्रेशन कराने में जो इशू है वो ज़्यादा बड़ा हुआ है। पर नई मुश्किल लव जिहाद के नारे के बाद शुरू हुई, जिसकी वजह से अब गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगे हैं, और वैसे जोड़े जिनकी शादी के सालों बीत चुके हैं उनमें नए सिरे से खौफ दोबारा लौट आया है। पुरानी शादी में बढ़ा है, फियर का एलिमेंट बढ़ा है, और जितनों से हम बात कर रहे हैं कि वो एक सुबकाहट सी है और एक वो परेशानी सी है कि भाई ये बड़ा जो हो रहा है बड़ा मुश्किल हो रहा है, और हमको ऐसा लग रहा है कि मुश्किल में हम जाएंगे। जिनकी शादी, हाँ बिल्कुल, उनको उनके साथ उनमें ये एक इनसिक्योरिटी बढ़ी। मोहब्बत मजहब की मजबूरी नहीं मानती, पर लव जिहाद में क्या खतरा सिर्फ उन जोड़ों को है जहां लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू है? अगर मामला इसे उलट हो तो फिर कहानी कहां जाती है? तीन सिस्टर हैं। दिल्ली में विनोद नगर के इस घर में शबाना और मनीष रहते हैं। शादी के 10 साल बीत चुके हैं,
एक बेटा स्कूल जाता है जबकि दूसरा सिर्फ 2 महीने का है। शबाना एक स्कूल में मनोचिकित्सक हैं, जबकि मनीष का अपना खुद का कारोबार है। शादी की बात चली तो पहली बार में दोनों के घर वालों में से कोई भी राजी नहीं हुआ। शादी के 3 साल बाद तक शबाना अपने मायके नहीं गई, फिर वो मनीष को साथ लेकर जबरदस्ती घर गई। पहले पापा माने, फिर सारे घर वाले, जबकि ससुराल वाले 3 महीने में ही मान गए थे। कुछ लोग होते हैं कि हाँ, जिनके लिए फैमिली बहुत मैटर नहीं करती है, उनके लिए शायद डिसीजन हमसे आसान होता, पर इनके लिए भी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेरे लिए भी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो हमें कहीं ना कहीं पता था कि वो नहीं मानेंगे। तो हम खुद ही पहले खुद को सालों दिए, हमारा करीब 6-7 साल का रिलेशनशिप था, और बीच में खुद को टाइम भी, स्पेस भी दिया कि देखते हैं शायद ना हम करें तो, बट फिर लगा कि नहीं, हमें करनी ही है शादी। जख्मों से भरा जो दौर पीछे छूट चुका है, अब कुछ लोग इसे कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कामयाब हो गए तो फिर इन जैसों का क्या होगा? मुझे मेरा अपना दौर नहीं याद आता, पर हाँ, एक अजीब सी, कहते ना इसको सुन के बेचैनी सी तो होती है कि अगर इसने बहुत बड़ा रूप लिया तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम पे भी असर आए। हाँ, पर यह है कि आगे आने वाले लोगों के लिए, और जो सोच, जो गैप हम लोग कोशिश, हमें लग रहा है कि कम होता जा रहा है, हम लोग, हमारे जैसे कपल्स की वजह से वो लव जिहाद फिर बढ़ाता जा रहा है, और बड़े हेट्रेड के साथ बढ़ा रहा है। बस एक बेचैनी जैसा अभी हुआ था कि बेचैनी जरूर रही कि लोग अपनी सोच, या कुछ लोग अपनी सोच को किस तरीके से जो है वो समाज में रखते हैं। लव जिहाद को लेकर सबसे कायदे का सवाल है वो ये है कि दो लोगों के आपसी रिश्तों में सियासी सेंधमारी का आइडिया आखिर आया कहां से? लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।